इस वीडियो में कंप्यूटर के 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी होगा। तो पहला क्वेश्चन है, प्रमुख मेमोरी किसके समन्वय से कार्य करती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सीपीयू। और सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसके अलावा रैम पूरा नाम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्वेश्चन नंबर टू है, माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, माइक्रोचिप। क्वेश्चन नंबर थ्री, कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम है, कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम क्या कहलाता है? आउटपुट कहलाता है। क्वेश्चन नंबर फोर, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सीपीयू द्वारा। मतलब कंप्यूटर में जो भी कुछ आप इनपुट देते हैं इसे क्या करता है, सीपीयू के द्वारा क्या होता है, उसमें प्रोसेस होता है और तब इसके बाद क्या मिलता है, आउटपुट मिलता है। क्वेश्चन नंबर आपका फाइव, प्रोसेस्ड डेटा को क्या कहते हैं, प्रोसेस्ड डेटा को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर होगा आउटपुट। जो प्रोसेस डेटा होता है, जिस डेटा पर प्रोसेस हो चुका होता है उसे हम आउटपुट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका सिक्स, सीपीयू का मुख्य घटक है, सीपीयू का मुख्य घटक है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। यानी सीपीयू में ही कंट्रोल भी होता है, सीपीयू में ही मेमोरी होता है और सीपीयू में जितना भी सारा अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट होता है एएलयू, ये सारा होता है। मतलब ये भी कह सकते हैं सीपीयू को तीन भाग में बांटा गया है, एक आपका कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट और तीसरा एएलयू। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका सेवन, कंप्यूटर की क्षमता है कितना, सीमित। क्वेश्चन नंबर आपका एट, कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है, कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कृत्रिम। क्वेश्चन नंबर नाइन, मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में डैश होती है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सामान्य। क्वेश्चन नंबर दस है, मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मानव मन। क्वेश्चन नंबर 11, ईडीपी क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। क्वेश्चन नंबर 12, कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? सही आंसर होगा एकत्रित डेटा को। क्वेश्चन नंबर 13, कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को। क्वेश्चन नंबर 14, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सीपीयू के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 15, कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इनपुट। अगला क्वेश्चन है, डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ होता है वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। क्वेश्चन नंबर आपका 17, एटीएम क्या होता है? सही आंसर होगा बिना स्टाफ के नकदी देने। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डेटा। अगला क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रोसेसर। अगला क्वेश्चन है, प्रथम गणना यंत्र है। इसका सही आंसर होगा अबेकस। अगला क्वेश्चन है, पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर किस काम के लिए बना था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, खेल के लिए। क्वेश्चन नंबर 22, किसने प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया था? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ब्लेश पास्कल। अगला क्वेश्चन है, किसने स्पंज कार्ड का आरंभ किया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, जैकवार्ड, पावरस और पास्कल, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर आपका 24, कंप्यूटर की बुनियादी संरचना का विकास किया था? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चार्ल्स बैबेज। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सुपर कंप्यूटर।
क्वेश्चन नंबर 26 सामान्य रूप से प्रयुक्त किया जाने वाला कंप्यूटर है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डिजिटल कंप्यूटर। अगला क्वेश्चन है, क्रे क्या है, क्रे क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सुपर कंप्यूटर। अगला क्वेश्चन है, मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर से शुरू हुआ था? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तृतीय पीढ़ी से। क्वेश्चन नंबर 29, विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बना? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1976 में। क्वेश्चन नंबर 30, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सिद्धार्थ।